वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ABC भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का PDF वहाँ पे उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरकोटदा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर और शाह आलम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अकबर और शाह आलम। बादशाह जो थे इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाए थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ये 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1605 से 1627 था जहांगीर का शासनकाल। अकबर का 1556 से 1605 था। अकबर 1556 से 1605 तक के शाहजहां का शासनकाल था। इस शासनकाल था 1627 से 1658 तक का। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से, औरंगजेब का हो जाएगा 1658 से हो जाएगा 1707 तक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अवलिक योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में अलिस्तान संधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, देशांतरण खालिस्तान की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है? इसका हो जाएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं? राइट आंसर इलाहाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, ये हो जाएगा सही उत्तर।
इलाहाबाद और महोबा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य ऑब्लिक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो हो जाएगा कोलकाता में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं, यूरोप में कितने देश हैं, तो ये हो जाएगा 44। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबैंगनी किरण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में खाली स्थान के पास वोट डालने का अधिकार होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पीकर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 131, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 330 के तहत एससी एसटी को 84 और 47 कुल 131 सीटें हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मार्च 2013 में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन है, प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष का, ऑप्शन सी। खाली स्थान को विधानसभा का 17वां स्थान करने की शक्ति होती है, तो हो जाएगा राज्यपाल को विधानसभा का 17वां स्थान करने की शक्ति होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएंगे राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है, इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है, इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था, सही उत्तर इसका हो जाएगा 257 मिलियन टन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
मथुरा, डिगवोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दलहन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा तृतीयक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा RBI गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चालू अनुपात, ऑप्शन बी। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध के SI इकाई है ओम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्विच बंद होने पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। परिवर्तक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारस्परिक प्रेरण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्जिनिन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर आर्जिनिन। 15 ग्राम से अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 51 ग्राम से अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। आलू पर्ण बेलन विषाणु खाली स्थान द्वारा प्रेषित होता है? आलू पर्ण बेलन विषाणु खाली स्थान द्वारा प्रेरित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एफिड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टेक्साफेन कीटनाशी खाली स्थान के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उदर विष, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर उदर विष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फॉस्फोन डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा तीनकठिया व्यवस्था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन
स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुर्जरा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मित्र, ऑप्शन सी। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहदेश्वरी मंदिर, ये हो जाएगा बृहदेश्वरी मंदिर 1003 से 1010 दस ईस्वी। उसके बाद हो जाएगा ये बना गया था राजा राज चोल के द्वारा गंगाईकोंड चोलापुरम मंदिर 1025, ये राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था राजेंद्र चोल के, और ये हो जाएगा राजा राज चोल के राजा राज चोल। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो हो जाएगा ये 700 से 720 के 700 से 720 हो जाएगा 720 ईस्वी। सप्त पैगोंडा हो जाएगा 630 से 688 ईस्वी 630 से 688 ईस्वी, ये राजा नरसिंह के द्वारा बनाया गया था कूट में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, इसका हो जाएगा फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई हो जाएगा, किताबुल हिंद अलबरूनी, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि को परित्याग किए थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन इसका हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में परिदर्शित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षक के रूप में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विभिन्न
प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मृतिका गाद बालू, मृतिका गाद बालू ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, जूट पश्चिम बंगाल, चाय हो जाएगा असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम हैं और उधर देश हैं। बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बगुयू फिलीपींस हो जाएगा, और हरिकेन्स ये हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शांता अना ये कैलिफोर्निया हो जाएगा, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल जो है ये दक्षिणी फ्रांस के उत्तर पश्चिम दिशा में लियोन में खाड़ी, लियोन की खाड़ी में बहती है, इसका हो जाएगा दक्षिण फ्रांस से उत्तर पश्चिम दिशा में लियोन की खाड़ी में बहती है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है, सिमलीपाल का हो जाएगा ओडिशा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, नंदा देवी उत्तराखंड, और नोकरेक मेघालय में हो जाएगा, नोकरेक जो है मेघालय में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्लाई एश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था व्यक्ति हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैव दी बॉडी ऑफ परमादेश, बी कमांड प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड जो है ये सही नहीं है,
अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी प्रतिषेध जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतर न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर, संसद। ऑप्शन इसका डी सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? सही उत्तर इसका हो जाएगा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, आर में है कारण में। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, नीचे दिए गए कूट में का सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, अलग समिति। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट को उत्तर चुनना है, हंटर आयोग हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 3 फरवरी 1882 सैंडलर आयोग 1917 सैंडलर आयोग हो जाएगा 1917 बुड का घोषणा पत्र हो जाएगा 19 जुलाई 1854 और सार्जेंट योजना हो जाएगा 1944। ऑप्शन इसका 1944 सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में हुआ था, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, नीति आयोग ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो हो जाएगा नीति आयोग ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, सामाजिक असमानता ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2010 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोरिस ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है,
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाना देसी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट वेल्थ पूंजीपति किसे कहा जाता है? बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर ध्यानाढ्य नहीं है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ध्यानाढ्य नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपयुक्त सभी से हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुसार अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ण मानव की सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण में किन कण पर आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूट्रिनो, ऑप्शन इसका हो जाएगा न्यूट्रॉनो पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका हो जाएगा रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं रेडियोधर्मी कहलाते हैं। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंवला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए में है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। और मानव शरीर में स्टार्ट अपघटन एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, सॉरी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन बी।